यू। हम अपना चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था मेंसुरेशन साइकिल में, थर्ड पॉइंट तक। अब हम फोर्थ करेंगे, व्हेन मेंसुरेशन इज ओवर। जब क्या होता है, मेंसुरेशन ओवर हो जाता है, द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स बिल्डिंग अप अगेन। फिर उसके बाद जब मेंसुरेशन ख़त्म हो जाता है तो यूट्रस क्या करता है, दोबारा से अपनी वॉल बनाना शुरू कर देता है, सो दैट इट मे बी बिकम रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट ओवम। ये क्या हो जाता है, दूसरा ओवम वो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है। इन केस इफ़ इट डज़ नॉट गेट फर्टिलाइज, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो। मेंसुरेशन साइकिल रिपीट्स इन वुमेन आफ्टर अबाउट 28 to 30 days। फिर मेंसुरेशन के साइकिल क्या होती है, 28 to 30 days में फिर से रिपीट होती है, टिल द टाइम ओवम गेट्स फर्टिलाइज, जब तक जो ओवम है वो फर्टिलाइज ना हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, इफ द ओवम गेट्स फर्टिलाइज मेंसुरेशन स्टॉप्स एंड द फीमेल गेट्स प्रेगनेंट। अगर क्या होगा, ओवम फर्टिलाइज होना नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, मेंसुरेशन स्टॉप हो जाएगा एंड द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट, और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज वेल एज हैव लर्नड इन चैप्टर 9। फिर देखिए, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या करेगा, यूट्रस में जाकर एम्बेड हो जाएगा और फिर वो आगे डेवलपमेंट करेगा, जो कि आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हो। हमने नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। मेनार्क एंड मेनोपोज। मेनार्क क्या होता है, द फर्स्ट मेंसुरेशन फ्लो दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इन वुमेन इज कॉल्ड मेनार्क। जो सबसे पहला मेंसुरेशनल फ्लो होता है, सबसे पहली ब्लीडिंग होती है प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल को, वो मेनार्क कहलाता है। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल। ये किस चीज़ का सिंबल है कि अब से क्या हो रहा है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो रही है। द स्टॉपेज ऑफ मेंसुरेशनल फ्लो एट द एज बिटवीन 45 to 50 years इन फीमेल्स इज कॉल्ड मेनोपॉज। जो स्टॉपेज होता है मेंसुरेशनल फ्लो का, कब, 45 to 50 years में फीमेल्स में, वो मेनोपॉज कहलाता है। इसमें मेंसुरेशनल साइकिल स्टॉप हो जाती है इस ईयर तक, आगे फिर नहीं होती है। नेक्स्ट, डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी। इसे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।